Now turn one side, stop, front, stop, other side, stop, front, stop. Okay, this is a front view of the patient. So if we see here, question ये क्या है, gland effect इसके feel करेंगे. So ये जो होता है muscle के ऊपर जो move कर रहा, this part, this is glandular part, along with this is side roll. So now side rolls में निकालते हैं. Now side roll में important क्या है, हाथों पर करो एक बार. ये जो होता है ये पीछे back वाला part हो जाता है, और ये इस line से जो आगे वाला part होता है, that is side roll. So back वाला part है, that we are not removing, we are removing this much, right? So after surgery ये जो projection होता है patient को, ये नहीं रहेगा. After surgery जो projection होता है ये नहीं रहेगा. This is patient's appearance before surgery. So glandular tissue from both the side under sedation. So surgery done. Stop. Stop. बंद कर दो. Okay. Okay. Turn one side. Stop. Front. Stop. Other side. Stop. Front. Stop. Ninth को हुआ था. So अभी approximately 25 days हो गए हैं. हाँ दुबे करो, फ्लाइंग मूवमेंट करो. या डू इट फ्लाइंग मूवमेंट. यस, फर्स्ट क्लास. डू इट. या सो देखो पेशेंट की रिब्स दिख रही है. या डू इट. यहाँ पे जो, या फर्स्ट क्लास, यहाँ पे जो ग्लैंड फैट था सब निकल गया देखो. ये या डू इट फ्लाइंग मूवमेंट. या सो नाउ स्किन और ज़्यादा टाइट होगी एंड ही इज हैविंग मोर फाइनर अपीयरेंस. अभी क्या है, करते रहो फ्लाइंग मूवमेंट. ये चेस्ट का मसल है पेशेंट का, पेक्टोरल मसल, राइट, जो बना हुआ है, राइट. स्टॉप. टर्न वन साइड प्लीज. नाइस अपीयरेंस. अदर साइड नाइस अपीयरेंस. फ्रंट में आ जाओ. वन मंथ के बाद में मसाज स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छी तरह से करना है, ये इसका टेंशन नहीं लेना. पिगमेंट बैक टू नॉर्मल हो जाता है. मसाज करेंगे, हार्ड मसाज एंड पूरी चेस्ट पे मसाज करना है. ठीक है, ओके. ओके, पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट ना, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, ग्लैंड्स एंड फैट. जब आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ग्लैंड्स एंड फैट तो ये अकाउंट आ जाएगा. सो यहाँ पे पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट्स होंगे. फॉलोअप मतलब फ्रेश रिजल्ट प्लस फॉलोअप रिजल्ट. सो यहाँ पे आप पिंड पोस्ट है, जैसे कि वन मंथ बाद का रिजल्ट है, वन मंथ बाद कैसा दिखता है चेस्ट, देन सिक्स मंथ बाद, वन ईयर बाद, फिर यहाँ पे आफ्टर वन मंथ रिजल्ट है सारे. सो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और मुझे कोई पर्टिकुलर पेशेंट का रिजल्ट देखना है, तो सपोज मैंने ये देखा, सो मैंने इसको रील को क्लिक करा, देख लिया, राइट. दूसरा पेशेंट देखना है तो उस रील को क्लिक करो, यहाँ पे देख लिया. तो वन मंथ के रिजल्ट हैं. फिर यहाँ पे जिम करने के बाद पेशेंट इस इंसिन कितना स्मॉल होता है वो वाला यहाँ पे आप देख सकते हो. उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर हम लोग इसको पूरी रील को देख सकते हैं, राइट. फिर मैं बैक गया, फिर यहाँ पे इसको क्लिक करके इस रील को देख लिया, फिर मैं गया इस रील को देख लिया, फिर इसको देख लिया. ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट. तो ये देख लूंगा. फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा, ये यहाँ पर इस रील को मैंने क्लिक करा और फिर यहाँ पे ये देखा, ये बिफोर पेशेंट का था, राइट. फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा, सो इस पेशेंट को देखना, इस पेशेंट का क्लिक करा और यहाँ देख लिया. यहाँ नीचे जाऊँगा मैं तो यहाँ पे इनकी डेट भी डली होती है कि सर्जरी कब करी थी. हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं. सो पूरी चीज़ ना ग्लैंड्स एंड फैट इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी. सो यहाँ पे ये आफ्टर वर्कआउट पेशेंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो सारे कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप मैसेज करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग गायनेकोमास्ट. यहाँ पर मल्टीपल पेशेंट्स सारे पेशेंट देखने हैं. और मैं प्रेफर करूँगा जिन पेशेंट की सर्जरी हो गई है वो भी डेली 10 पुराने पेशेंट देखेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो कि शायद आप में एक दो इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाया, तो उनके अंदर आप देख लोगे. सो वो इंस्ट्रक्शन सारे पेशेंट्स पे अप्लाई होते हैं. अच्छा, पेशेंट पूछते हैं सर स्टेनिंग का क्या है. जो स्टेनिंग आती है, स्टेनिंग ये टेम्प्रेरी होती है, आप फॉलोअप में देखोगे तो स्टेनिंग गायब हो जाती है, राइट. स्टेनिंग का भी एक क्वेश्चन होता है, सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं.